नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत और मलेशिया मिलकर SU30 फोरम बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में भारत और मलेशिया की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में दोनों देश मिलकर SU30 फोरम बनाएंगे और मेक इन इंडिया को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पर आतंकवाद का खतरा है, इस समस्या से निपटने के लिए हमने मिलकर कदम उठाने होंगे। मोदी ने कहा कि सुरक्षा और चुनौतियों को लेकर भारत और मलेशिया के बीच कई समझौते हुए हैं, जिनमें साइबर सुरक्षा को लेकर समझौता सबसे अहम है। पाकिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप। पाकिस्तान की राजधानी और देश के उत्तरी भाग में रविवार रात 6.2 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया। फिलहाल कहीं से भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पाकिस्तान मौसम विभाग के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई, जबकि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार तीव्रता 5.9 थी। भूकंप का अधिकेंद्र अफगानिस्तान व तजिकिस्तान की सीमा पर 86 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके दिल्ली, NCR और हरियाणा में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान के रमजान की घर वापसी में मदद करेंगी सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 15 वर्षीय पाकिस्तानी किशोर रमजान से मुलाकात की और उसकी घर वापसी के लिए एक अधिकारी को पाकिस्तान भेजने का आश्वासन दिया। रमजान पिछले 2 वर्ष से भारत में है और भोपाल में रह रहा है। सुषमा ने कहा कि रमजान की कहानी मुखबधिर गीता से मिलती जुलती है। विदेश मंत्री ने इंदौर में गीता से भी मुलाकात की, जो 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक पाकिस्तान में फंसे रहने के बाद स्वदेश लौटी है।